दोस्तों आदाब सर, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। यूपी में आजकल जो है ना ब्राह्मण राजनीति बड़ी जोरों पर चल रही है। ये बात जब सामने आई, जब एक पूर्व जो MLC हैं उमेश द्विवेदी, उन्होंने दावा किया है कि BJP अब गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी, यानी यहाँ तक लालच देना शुरू कर दिया है और मेडिकल इंश्योरेंस भी देगी। ये बात ऐसे समय सामने आई जब अखिलेश यादव और मायावती ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में परशुराम की विशाल मूर्तियां लगाने की घोषणा की है और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना यात्रा निकाली और पीड़ित परिवारों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। ये जो ठाकुर और ब्राह्मण की राजनीति वहाँ बड़े जोरों पर है, तो लिहाजा ब्राह्मण राजनीति आगे बढ़ गई है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करेंगे कि आप हिंदवॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और नीचे जो लाइन चल रही है टेलीफोन नंबर आ रहे हैं इस पर हमें कुछ मदद कीजिए, PayTM वगैरह के नंबर हैं। अब हम खबर में आगे चलते हैं। बात चल रही थी UP में ब्राह्मण राजनीति की तेज़ी से शुरुआत की। आगे बढ़ने से पहले यूपी में की जो जनसंख्या और जातिवाद उसका विश्लेषण है, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। यूपी की जनसंख्या 2021 में 23 करोड़ 50 लाख के लगभग है, जो कि पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से ज़्यादा है इस वक्त। इसमें SC 56.3% है, ब्राह्मण 11% है, ठाकुर 8.50% है, यादव 8.50% है, मुस्लिम 19% है, OBC 40% है। ये है यहाँ पे तनासुब। यहाँ के जो ठाकुर के राजपूत है वो डोमिनेशन क्लास है यूपी के अंदर, जिनके पास पूरे राज्य में 70% जो है उपजाऊ भूमि ठाकुरों और राजपूतों के अंडर में है, क्योंकि आज़ादी से पहले वहाँ जमींदारी प्रथा थी और ठाकुर ही अधिकतर जमींदार होते थे, लिहाजा ज़मीन पर ही उन्हीं का कब्जा रहता है। वहीं राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है, ये देख लीजिए आज़ादी के बाद से ठाकुरों का वहाँ वर्चस्व रहा है। प्रदेश के देखा जाए तो पहले मुख्यमंत्री जो थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे, इसके बाद संपूर्णानंद हुए, सुचेता कृपलानी हुई, कमलापति त्रिपाठी हुए, हेमवती नंदन बहुगुणा हुए, NDतिवारी हुए और श्रीपति मिश्रा हुए। इतने चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मण जाति से आए हैं, जैसे कहा जाता कि 50% से भी ज़्यादा ब्राह्मण आए हैं चीफ मिनिस्टर हो गए। अभी तक यूपी में जो 21 मुख्यमंत्री जिनमें 11 कांग्रेस के हैं ये हुआ है, जिनमें अधिकतर ब्राह्मण थे। KP वैसे देखा जाए तो ठाकुर भी हुए हैं, VP सिंह, वीर बहादुर ये कांग्रेस से थे, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ये ठाकुर कम्युनिटी से होते हैं, लेकिन ठाकुर समुदाय से BJP के दो ही UP में मुख्यमंत्री बने, इससे ज़्यादा नहीं बने हैं। प्रदेश की राजनीति ब्राह्मण और क्षत्रियों का वर्चस्व ही रहा है, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। यहाँ तक कि यादवों की सत्ता आने के बाद भी मुलायम सिंह को अमर सिंह का साथ लेना पड़ा था और रघुराज प्रताप सिंह का साथ लेना पड़ा था, इनको जिनको राजा भैया कहा जाता है, उनका सहारा लेना पड़ा था। यूपी की राजनीति का समीकरण समझने के बाद हमें हम आगे बढ़ते हैं, मुद्दों की तरफ जाते हैं कि यूपी में XMLC उमेश द्विवेदी ने दावा किया कि भाजपा गरीब ब्राह्मणों का बीमा कराएगी और मेडिकल इंश्योरेंस भी कराएगी। उमेश द्विवेदी का आरोप है कि अन्य पार्टियां ब्राह्मणों के नाम पर राजनीति करती हैं पर भाजपा कुछ सॉलिड करके दिखाएगी अब यूपी में ब्राह्मणों के लिए। MLC जो रहे हैं पूर्व MLC उमेश द्विवेदी का ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती परशुराम की विशाल मूर्तियाँ लगाने का वादा कर किया था। परशुराम को विष्णु का अवतार माना जाता है, उनको ब्राह्मण कहा जाता है और ये कहा जाता है वो ब्राह्मण थे और उन्होंने कई बार पूरी दुनिया से यानी पूरी धरा से पूरी दुनिया से क्षत्रियों का विनाश किया था। वहीं कांग्रेस से जतिन प्रसाद ने ब्राह्मणों की चेतना यात्रा निकाली है उन्होंने और वो ब्राह्मणों से मिलने लगे, प्रदेश के ब्राह्मणों को से मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी। इनका कहना कि बीते 2 सालों में सबसे अधिक हत्याएँ ब्राह्मणों की हुई हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का कहना कि अध्यक्ष रमेश नाथ त्रिपाठी इसकी संख्या 500 के लगभग बताते हैं कि 500 ब्राह्मण
और की हत्या हुई है यूपी के अंदर। द प्रिंट नामक एक वेबसाइट के अनुसार इसकी गिनती वो भी 500 के लगभग बताती है, प्रिंट वेबसाइट भी। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेता अभिषेक मिश्र, मनोज पांडे, माता प्रसाद से मुलाकात की थी। इसके बाद ही लखनऊ में 108 फीट ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई थी। इसके फौरन बाद ही मायावती ने इससे भी ऊंची परशुराम की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। वैसे मायावती प्रतिमाएं लगाने के लिए बड़ी मशहूर है, उन्होंने अपनी मान्यवर कांशीराम की और कई लोगों की प्रतिमाएं जगह जगह लगाई हुई हैं। साथ ही अस्पतालों और पार्कों के नाम भी उन्होंने परशुराम के ऊपर रखने की घोषणा कर दी कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये भी करेंगे। अब यूपी में देखा जाए कि जो ब्राह्मणों का वोट कई विधानसभा में की सीटों में 20% है, यानी डिसाइडिंग फैक्टर है। 2017 के चुनाव में बीजेपी को ब्राह्मण वोट जमकर मिला था, पर 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में इस बार केवल 8 ब्राह्मणों की ही जगह दी गई, जिससे नाराजगी है ब्राह्मणों में। और दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़ किसी को अहम विभाग नहीं दिए गए हैं। अगर कुछ पीछे देखें तो मुसलमान हरदम ब्राह्मणों के साथ रहा है, मुसलमान ब्राह्मण वहाँ गठजोड़ रहा है। इंदिरा के आपातकाल के बाद में कांग्रेस से दूर हो गए मुसलमान और समाजवादी की तरफ चले गए। 2007 में मायावती ने ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण बनाया था और अपनी तिलक तराजू और तलवार के नारे को एक तरफ रखकर फिर सरकार बनाई थी इन्होंने। साथ सपा की नज़र भी यादव कुर्मी मुस्लिम ब्राह्मण पर रहती है हरदम। यूपी का जो संगठनात्मक बदलाव है वो रुका पड़ा है। केंद्र की शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश के ब्राह्मणों को से संपर्क किया जा रहा है, जो ये भाजपा कर रही है उसने यहाँ पे बदलाव रोका हुआ है, वो ब्राह्मणों से संपर्क करने में लगी हुई है। इसकी पहल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DGP जैसे पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्तियों से पता चलती है। यानी वहाँ पे अब जात बात नहीं, क्लास वाज नहीं, यानी हिंदू मुसलमान भी नहीं, अब सीधी सीधी ब्राह्मणों और ठाकुरों की राजनीति बड़ी तेज़ी से पकड़ रही है। इसी वजह से कहते हैं लोग कि वहाँ पे जो प्रियंका गांधी को लाया गया पूर्वांचल में, इसी वजह से लाया कि ब्राह्मण कार्ड खेला जा सके, पूर्वांचल पर हम डोमिनेट भी है। ये सब चीज़ें हैं। बताने का मतलब है कि अब मुद्दों की राजनीति नहीं रह गई है, राजनीति रह गई है जातवाद की, जो हो रही है और यूपी जैसे बड़े राज्य में हो रही है, जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा है। सोचने की बात है, अब मुद्दे नहीं रहे हैं, मुद्दे गौड़ हो गए हैं, मुद्दे ख़त्म हो गए हैं, अब बात दूसरी आ गई। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।